डियर चिल्ड्रन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल टॉक इंडिया जिसमें हम मजेदार एक्टिविटी के साथ हमारा चैप्टर पढ़ते हैं तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एनसीआर क्लास टू मैजिक का चैप्टर नंबर टेन एड आवर पॉइंट्स एंड दिस इज पार्ट वन वीडियो जिसमें हम टू डिजिट्स का एडिशन और टू डिजिट्स का सब्ट्रैक्शन अच्छे से सीखने वाले हैं इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप क्लास टू मैजिक का प्लेस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में बट बिफोर वी स्टार्ट टूडेज क्लास हि इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी तो आज का हमारा मजेदार चैप्टर है ऐड आवर पॉइंट्स ऐड का मतलब जोड़ो हमारे पॉइंट्स को तो हम पॉइंट्स कब जोड़ते हैं जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं तो फॉरेस्ट में भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आप जैसे छोटे छोटे नोटी बच्चों की तरह खेलते हैं एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट आर प्लेइंग और वो क्या खेल खेल रहे हैं टर्न बाय टर्न दे टॉस द बॉल ऑन देयर बैट्स अनटिल इट फॉल्स अपने बैट के ऊपर अपने बॉल को रख के टप्पा लगाने की कोशिश करते हैं और काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर अरे गिर गया तो कितने पॉइंट्स पॉइंट्स बने यहां पे four बने पे इस तरीके से सभी एनिमल्स खेल रहे थे और अपने पॉइंट्स को जमा कर रहे थे ईच प्लेयर गेट्स टू टर्न्स हर एक एनिमल को हर एक प्लेयर को दो दो बारी दो दो चांस मिल रहा था एंड ब्रूनो रैबिट एड्स देयर पॉइंट और ब्रूनो रैबिट बिल्कुल आप ही जैसा इंटेलिजेंट था उसे मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आता था तो वो सभी के पॉइंट्स को ऐड कर रहा था बट डू यू नो हाउ ही वॉज एडिंग क्या आपको पता है वो कैसे ऐड कर रहा था जंगल में जो सांप था ना उसके बॉडी पे नंबर्स लिखे हुए थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और वही चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है सांप के पूरे बॉडी में जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स का यूज़ करके ब्रूनो रैबिट ऐड कर रहा था तो एक बार हम भी जान लेते हैं कि ब्रूनो रैबिट इन सांप के ऊपर लिखे हुए नंबर्स को कैसे यूज़ कर रहा था तो सबसे पहले टोटॉइस की बारी आई टॉयस ने बॉल उछालना शुरू कर दिया और फिर एक टाइम पे उसका बॉल गिर गया रैबिट काउंट कर रहा था कितनी बार हुआ ऐसा यू हैव टॉस्ड द बॉल वन फोर फोर्टीन टाइम्स सबसे पहली बार जब टॉटॉयस टॉस कर रहा था तो वन फोर फोर्टीन तक उसने टॉस किया फिर बॉल गिर गया लेकिन उसकी एक और बारी बची हुई थी क्योंकि सभी एनिमल्स को दो दो चांस मिल रहा था उसने बोला आई और उसने फिर से बॉल को वन टू थ्री फोर करना शुरू किया अब की बार वो सेवन टॉस ही कर पाया उसके बाद बॉल गिर गया तो अब ब्रूनो रैबिट क्या करेगा फोर्टीन तो पहले से ही टॉटोइस ने करके रखा था फोर्टीन में उसे ए डी डी एड करना है कितने और पॉइंट्स और सेवन पॉइंट्स को ऐड करना है जो उसने दूसरी बार किया था तो रैबिट ने क्या किया फोर्टीन के बाद से आफ्टर फोर्टीन उसने सेवन टाइम्स काउंट किया यू ऑल्सो काउंट विद मी दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कौन से नंबर पे आ गए हैं हम टू वन ट्वेंटी वन तो इसका मतलब वन फोर फोर्टीन में अगर हम सेवन ऐड करते हैं तो इक्वल टू टू वन ट्वेंटी वन आता है बिना वंस और टेंस का कॉलम बनाए भी हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, है ना मजेदार खेल टोटोइ की तरह जंगल के बाकी एनिमल्स भी अपने अपने पॉइंट्स को इस तरीके से लिख रहे थे बाकी सभी एडिशन्स आपको ब्रूनो रैबिट की हेल्प करनी है ऐड करने में स्नेक के ऊपर लिखे हुए नंबर्स का यूज़ करके तो फॉक्स के पॉइंट्स हम ऐड कर देते हैं ब्रूनो रैबिट के लिए सबसे पहले वन सिक्स सिक्सटीन उसने टॉस किया उसके बाद सेवन टाइम्स टॉस किया तो हमें सिक्सटीन में ऐड करना है सेवन तो स्नेक के ऊपर यहाँ है नंबर सिक्सटीन अब हमें सेवन टाइम्स काउंट करना है दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हम कहाँ पे पहुँच गए हैं हम पहुँच गए हैं टू थ्री ट्वेंटी थ्री सो सिक्सटीन प्लस सेवन इज टू थ्री ट्वेंटी थ्री एंसर उसके बाद ये कौन सा एनिमल है ये मंकी ही है मंकी का पॉइंट ऐड करते हैं वन एट एट्टीन से स्टार्ट करेंगे और पॉइंट्स ऐड करेंगे। सो ऑन द स्नेक हेयर इज एटीन इसके बाद टेन और हम पहुंच गए टू एट ट्वेंटी एट सो एटीन प्लस टेन इज ट्वेंटी एट इस नंबर ट्वेंटी एट का एक शॉर्टकट भी है क्या आपको पता चल रहा है वन के साइड में एट और उसके बाद टेन ऐड करेंगे तो टू के साइड में एट एक और टेन अगर हम ऐड करते हैं तो थ्री के साइड में एट हो जाता है ये भी एक तरीके का मैजिक ही है जो हम आने वाले क्लासेस में और डिटेल में समझेंगे चलिए अब हम लायन के पॉइंट्स सेट करते हैं वन नाइन नाइनटीन में हमें ऐड करना है फिफ्टीन पॉइंट्स तो स्नेक के ऊपर यहाँ है नाइनटीन इसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लेवन ट्वेल्व थर्टीन 14, फिफ्टीन हम पहुंच गए थ्री फोर थर्टी फोर तक तो नाइनटीन प्लस फिफ्टीन होता है थर्टी फोर वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं उसके बाद एलिफेंट के पॉइंट्स हमें ऐड करने हैं फोर नाइन फोर्टी नाइन में हमें वन थ्री थर्टीन ऐड करना है तो स्नेक के ऊपर यहाँ पे इस साइड है फोर नाइन फोर्टी नाइन अब हम ऐड करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड हम पहुंच गए सो गिव्स आंसर अब तक का सबसे बड़ा वाला नंबर एलिफेंट का ही है अच्छा उसके बाद टोटॉयस के पॉइंट्स तो हम पहले ही ऐड कर चुके हैं फोर्टीन में हमने सेवन पॉइंट्स ऐड किया था तो हमें टू वन ट्वेंटी वन मिल रहा था लास्ट में हम बैर के पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं थ्री थ्री थर्टी थ्री में हमें ऐड करना है वन वन इलेवन तो स्नेक के ऊपर यहाँ है थर्टी थ्री नाउ अस ऐड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन हम पहुँच गए फोर फोर फोर्टी फोर तो बैर के पॉइंट्स बनते हैं फोर्टी फोर अब सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किसके हैं बता सकते हैं हु हैज़ won जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वही जीतेगा तो एलिफेंट के पॉइंट सबसे ज़्यादा है तो हम लिखेंगे ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट हैज़ वन द गेम has लॉस्ट द गेम किसके पॉइंट्स सबसे कम है बेचारा टोटॉयस थोड़ा छोटा था तो इसका जो पॉइंट है टू वन ट्वेंटी वन ये बाकी सभी नंबर से छोटा है सो so, टॉटॉयज हैज़ बनाना खाने को मिला था तो आप भी अपने नोटबुक में इस तरीके का नंबर लाइन बना सकते हैं एक ऐसा लाइन जिसमें numbers लिखे हुए हों और अपने फ्रेंड्स के साथ पॉइंट्स add करके easily add कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं गेस एंड टेल ज़रूरी नहीं कि हमें हमारे नंबर लाइन में सिर्फ दो पॉइंट्स ही हम ऐड कर सकते हैं दो से ज़्यादा कितने भी पॉइंट्स हम चाहे तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐड कर सकते हैं और वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इस फोटो में हमें एक छोटी सी लड़की नज़र आ रही है इसका नाम है प्रभा वो अपने ग्रैंड मदर के घर जा रही है प्रभा इज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर हु लिव्स इन द नेक्स्ट विलेज जो नेक्स्ट गांव में रहती है तो उसने अपने घर से कुछ सामान को लिया और उन सामान को लेके उसे दादी माँ के घर जाना था शी वॉन्ट्स टू टेक वन फाइव फिफ्टीन के जी शुगर केन वो पंद्रह किलो ईख लेके जाना चाहती है सेवन किलोग्राम सेवन के जी एप्पल लेके जाना चाहती है एंड एट किलोग्राम टोमेटोज लेके जाना चाहती है तो वो तीन चीज़ें लेके जाना चाहती है एक तो है शुगर केन मतलब ईख दूसरा है एप्पल जो कि है सेवन किलो और तीसरा है टोमेटो जो कि है एट किलो शी हैज़ टू क्रॉस अ रिवर और बीच में उसे एक नदी को पार करना है इन द बोट शी कैन टेक ओनली ट्वेंटी फाइव के जी वेट इस बोट पे वो सिर्फ टू फाइव ट्वेंटी फाइव किलोग्राम भार ही लेके जा सकती है इससे ज़्यादा भारी सामान लगाएगी तो वो नीचे पानी में डूब जाएगी कैन शी कैरी ऑल दीज थिंग्स तो क्या वो इन सभी चीजों को लेके जा सकती है तो हम कैसे पता लगाएंगे अगर शुगर केन वन फाइव फिफ्टीन किलोग्राम का है एप्पल सेवन किलोग्राम का है और टोमेटो एट किलोग्राम का है तो इन तीनों को पूरा मिला के कितने किलोग्राम होते हैं हमें इन तीनों को ऐड ही तो करना है और उसके बाद देखना है क्या ये ट्वेंटी फाइव से कम है अगर कम है तो वो लेके जा सकती है और अगर इससे ज्यादा है तो वो डूब जाएगा वो नहीं लेके जा सकती तो क्या हम स्नेक के ऊपर इन्हें ऐड करें हम एड सबसे पहले फिफ्टीन में सेवन ऐड करते हैं तो स्नेक के ऊपर यहाँ पे है वन फाइव फिफ्टीन सेवन ऐड करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन हम पहुँच गए टू टू ट्वेंटी टू उसके बाद हमें एट के जी टोमेटो और ऐड करने हैं दैट मीन्स आफ्टर ट्वेंटी टू हम गए से ज्यादा है इसका मतलब वो तीनों चीजों को अपने साथ कैरी नहीं कर सकती शी कैन नॉट कैरी ऑल द थिंग्स उसे कोई भी दो सामान लेके अपने दादी माँ के घर जाना पड़ेगा इस तरीके से हम दो से ज्यादा एडिशन भी कर सकते हैं नंबर लाइन में इसके बाद हमने जब जंगल में वापस गए और हमने देखा कि यहाँ पे टाइगर ने कुछ एनिमल्स के पॉइंट्स को रब कर दिया है और वही हम हमारे पार्ट टू वीडियो में सीखने वाले हैं वी आर गोइंग टू फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन सो स्टे ट्यून्ड वी विल मीट वेरी सोन टेल देन थैंक यू वेरी मच बाय बाय